हाय माय नेम इज प्रेम एंड पिछले कुछ दिनों से लाइफ वाज गेटिंग रियली बोरिंग सो मैंने वो सर के साथ डिस्कस किया सर को बोला सर बोर हो रहा है कुछ तो टास्क असाइन करो डू वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ मुझे लगा असाइनमेंट वगैरह देंगे नहीं ही असाइंड मी अ टास्क टू इंटरव्यू एवरी सिंगल वन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आस्क देम व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इंस्टीट्यूट आई डोंट नो यार ये सर मेरे को ही क्यों इतना हार्ड टास्क देते हैं बस मेरी लाइफ बोरिंग नहीं है मेरे साथ एक और सर की लाइफ बोरिंग और फिर उसको और मुझे पार्टनर अप करने के लिए बोला सो दिस इज रेसिका से हाय टू या सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ टास्क But let's see how it goes. Let's hop into it. In this institute. The reason I called myself the teacher because I teach everything here. 3D ho gaya, VFX ho gaya. Khali graphic designing ke liye apne paas mein Dimple ma'am hai, who is an excellent instructor. Jo ki abhi conduct kar rahi hai unke lab mein batch. Uske baad aap poochoge, to mera biggest jo punji hai, the asset jo maine yahan pe kamaya hai, wo hai students. Itne well behaved hai, itne well mannered hai, आप ना उनके मुंह से कभी गाली भी नहीं सुनोगे अरे लेफ्ट नहीं राइट दबा राइट राइट में अरे यार वो स्क्रॉल बटन है राइट दबा अरे बहुत राइट दबा हम लोग जब आते हैं ना तो उनकी आंखें झुक जाती है बोले उनका प्यार हम लोग से करते हैं फैकल्टीज से उसके बाद में हम लोगों ने कुछ सर्टन रूल्स रेगुलेट किए हुए हैं जैसे कि व्हाइल आई एम टेकिंग द क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए उसके बाद में प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि वॉशरूम में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है सो नो मोर देन 5 मिनट्स उसके बाद में बच्चे पीसी छोड़ के जा रहे थे मतलब काम करेंगे पीसी ऑन रख के घर पे चले जाते थे प्रॉब्लम हम लोग को होता था हमलोग ने क्या किया We introduce the idea of fining the students. हम लोग फाइन लेंगे 100 रुपया जो पीसी चालू करके जाएगा बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा दोस्ती यारी में ना हम लोग को नाम ही नहीं मालूम पड़ रहा था बच्चे हम लोग को नाम छुपा रहे थे क्योंकि उनको उनका दोस्त प्यारा है फैकल्टीज से ज्यादा सो हम लोग ने एक कनिंग प्लान बनाया वॉट वी इंट्रोड्यूस जो बच्चा अपने दोस्त का नाम बताएगा जिसने पीसी ऑन रखा था वो बच्चे का 500 रुपये कमाई होगा He will earn 500 rupees.
तो इसके बाद से हम लोग को नाम आना चालू हो गया। असाइनमेंट दिले ना काल तुम्ही मी करत होतो झालं होत आले यहाँ पे कोई बैठा था इथे आरती बसली आरती बैठी थी लक्षण होता ना आरती बैठी अरे बोलो टाइम पे करा सर ओके चालेल ये 100 रुपए और चाहिए तो और मांग चुगली करना बंद कर बोला था ना काम करेगा आप कोई बच्चा छोड़ के जाएगा ही नहीं पीछे ये इंटरनेशनल था ना हाय आई एम प्रतीक्षा एंड आई एम युक्ति और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं हाँ तो क्या पूछा आपने यहाँ पे आने का रीजन ऐसा सोचा नहीं था लेकिन अरे आई कैन टेल यू यहाँ पे ना एक से एक बढ़िया बेस्ट फास्ट फूड चीजें मिलती है पानीपुरी से लेके मोमोज तक है ना प्रतीक्षा हाँ हाँ क्यों नहीं वैसे मेरे यहाँ से ना जंगल वैसे ना मेरे यहाँ से जिम्नास्टिक है तो मुझे वो कन्वीनियंट पड़ता है अरे मैं बता दूँ आपको ये है ना सबसे बड़ी फिटनेस ट्रिक है यहाँ की कभी नहीं चलती मेरे साथ खाने इसको पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है हो गया तेरा मैं बोलूँ अब सॉरी सॉरी थैंक यू हाँ तो मैं कहती हाँ तो मेरे यहाँ से ना जिम्नास्टिक है लेकिन ये महाशय कभी कभार मुझे लेके जाती है जबरदस्ती पानीपुरी खिलाने के लिए लेकिन आई लव पानीपुरी गाइस हाँ लेकिन उसके लिए मेरे को लेट हो जाता है ना फिर घर जाने के लिए भी लेकिन कोई नहीं आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ मुझे भी अगर कोई लड़का परेशान कर रहा ना मैं इसको नाइस होगा तेरे को और कोई लड़का परेशान करेगा ओ हेलो मैडम मैं ना अपनी एरिया की नौरा हूँ ना मेनली उसका फिगर देख तेरा फिगर देख उसके लिए जिम जाना पड़ता है डाइट फॉलो करनी पड़ती है और जो भी तुझसे ना हो पाएगा ऐसा नहीं कि मैं ट्राई नहीं कर रही मैं करती हूँ ट्राई बट मुझसे कंट्रोल नहीं होता मला ना हेच समजत नाही भाई भाई एवढा वेळ आतमध्ये घरात काय असतो गेले 5-10 मिनिटं नाही 10 मिनिटं नाही अर्धा तास झाले हा माणूस आतमध्ये बसलाय निर्लज्ज सारखा काय बोलायचं आता काय समजतच नाही आताही तू बघू शकतो भाई आताही तो आतमध्येच बसलेला असेल बघ तो बघतो बघतो बघ असा निर्लज्ज सारखा बाहेर येत अरे हे काय त्यांनी तर प्रणवचा चष्मा घातलाय प्रणवचा ओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनफैक्ट मैं तो उसकी सबसे बड़ी हाइप मैन और आई शुड से हाइप वुमन बट क्या है यार उसका ये रोज का हो गया है 2 प्लेट बाहर मंगवाती हो तो आधे से ज्यादा मुझे खाना पड़ता है अगेन आई एम नॉट कंप्लेनिंग बट रिसेंटली मैंने अपने आप में ना एक नोटिस किया है चेंज मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया है थोड़ा शट अप सुनो मुझे भी अपना वेट लॉस करना है मुझे भी हेल्थ फ्रीक बनना है क्या खा रहा है पर मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है यार मैं कितना ट्राई कर रही हूँ सी आई एम ट्राइंग नो बहुत हो गया एक ग्लास देना अब से मुझे वर्कआउट करना ही पड़ेगा बट कहाँ करूँ घर पे भी मैं वर्कआउट कर नहीं सकती हूँ जिम में मैं सेल्फ कॉन्शियस हो जाती हूँ यार जगह ढूंढनी पड़ेगी यूपी अटेंडेंस सॉरी कल क्यों नहीं आई वो एक्चुअली ना ट्रेन पे क्या हुआ तुझे ट्रेन में लग गया ट्रेन में नहीं ब्रो ट्रेन में नहीं
राइट क्लिक कर, अरे राइट कर, राइट राइट वाला राइट, समझ रहे ना मेरे भाई, लेफ्ट नहीं राइट करना है, राइट कर, राइट हाँ ना, राइट एक बार और राइट कर। अरे अरे कुठं चाललाय, थांब थांब बाबा, 5 मिनिटापेक्षा जास्त बाथरूम मध्ये अलाउड नाही, दुसऱ्या लोकांना पण जायचं असतंय बाबा, थांब थांब। अरे काय माणसं आहेत रे यार, काय बोलणार यांना, अर्धा अर्धा तास बसतात जाऊन। मागे थोडस मागे, हाँ थोडस मागे, ओके हाँ। सो मिस्टर साईराज, एज आई वॉज आस्किंग, व्हाट डू यू थिंक, मिस्टर एम्प्लॉइड साईराज, ओके सो मिस्टर एम्प्लॉइड साईराज, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इंस्टिट्यूट? ए प्रणव, ए प्रणव, काय रे हळू ना जरा, इंटरव्ह्यू घेतो ना, हाँ चालेल, ओके सो मिस्टर साईराज, मिस्टर Employed Sairaj. Oh, okay, sorry. Mr. Employed Sairaj. Yeah. As I was asking, what do you think is the best part about this institute? Best? यहाँ पे देखा जाए तो best फिलहाल मैं ही हूँ. I'm the best. हाँ, I'm the best. ए प्रणव, प्लीज ना. हळू बोल ना जरा. अरे काय हळू? अरे आवाज येतोय तिथे. हाँ. हळू हळू बोल प्लीज. Okay, so back to you, Mr. Sairaj. Mr. Employed Sairaj. Sorry, sorry, sorry. Mr. Employed Sairaj. Okay. Yeah. So what do you think is the best part about this institute? यहाँ की बेस्ट चीज तो कुछ है नहीं मेरे को छोड़ के, आई एम द बेस्ट, पर जहाँ मेरी प्लेसमेंट लगी है लाल मिर्ची VFX, वहाँ की हर एक चीज यहाँ से बेटर है, वहाँ का AC, PC, MC, BC, हर एक चीज वहाँ की यहाँ से बेटर है, वहाँ का पेड़ पौधे, वर्किंग एनवायरमेंट, खाना पीना, हर एक चीज वहाँ की यहाँ से बहुत बेटर है। खाया तो बोलते हाँ हाँ, सलाह काल पर्यंत माझ्या पैशावर जगत होता, हा भिकारी बेरोजगार, काय किती बोलतोय, काय बेरोजगार, कोण बेरोजगार, नोकरीवर उडी मारतो ना, अरे जरा हे घेतो यार, इंटरव्ह्यू घेतो, काय इंटरव्ह्यू, अरे तो बेरोजगार बोलतोय, बेरोजगार म्हणजे काय, हे नाही का आमची काय, हे नाही का, व्हॅल्यू नाही का, अरे काय बोलतोय तो, खमामॅन, अरे काय खमामॅन, तुझा खमामॅन टाकेन तुझा, अरे काय, अरे प्रणव 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 प्लीज इंटरव्ह्यू घेऊन जा, आमची व्हॅल्यू नाही, हा बोल ना बोल, आमची आम्ही बेरोजगार म्हणजे आमची काय व्हॅल्यू नाही, अरे हे काय, अरे याची लायकी, एक काम कर, एक काम कर, दोघांचा सेम इंटरव्ह्यू घेऊ, एकच इंटरव्ह्यू घेऊ, अरे दोघांचा का, हा हा चालेल, अरे कोण आहे, अरे बस बस, अरे हा कोण आहे, बस अरे बस बस, हाँ ये बस, हाँ काय इश्यू काय प्रणव, कशाला वाजत होता एवढा, काय वाजत, काय तू पण विचारतो, अरे इश्यू, अरे म्हणजे आयुष्यातला सर्वात मोठा इश्यू झाला माणूस, अरे मी तुला सांगतो, अरे एवढा नीच माणूस कधी बघितला नाही रे मी, अरे आम्ही जात होतो इंटरव्ह्यूला, इंटरव्ह्यूला जात होतोय, आता आम्ही काय ठरवलं की बाबा ह्या टायमाला माझं होऊ दे, पुढच्या टायमाला मी बघतो ना तुझी नोकरीचं, काय टेन्शन आहे, अरे तिची लायकी, हा भिक, अरे तो गेला आतमध्ये इंटरव्ह्यू द्यायला, इंटरव्ह्यू निघाल्याचा गावाला, हे बसले तो काय खाजाली मारत, आता अरे तू बाहेरून तो असा मला अॅटिट्यूड दाखवतो ना की भाई हा कोण आले मोठा कुठचा आला, तू होता तू गपरा, अरे खरं सांगू एवढा नीच, एवढा खाली पडलेला दरिद्री माणूस नाही बघितला, बाबा 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 काय, एक महान पुरुष के काय आता, आज कमाएंगा तो कल बैठ के खाएंगा, अपनी मेहनत पे भरोसा रख, जॉब तो कल भी मिल जाएगा, पहले जो महापुरुष जी वाज होतो ना त्याने मला पण एक सांगितलंय, जब अपने ही दुसरों के साथ उठना बैठने लगे ना तब समझ जाने का वार छाती पे नहीं पीठ पे होने वाले, आमीन। हेलो मैं राहुल सर बात कर रहा हूँ, हाँ बोलो जी, बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, अपन तो जॉब पे लग गया मेरी जान, ए मेरा चालू कसा करता, तुझ्या लेफ्ट साइड ला जो CPU है ना तो CPU चा ऑन बटन ऑन कर, रोल लेफ्ट,
माझं नाव तुषार. मला दोन गोष्टी खूप आवडतात, एक म्हणजे चाय आणि एक म्हणजे पैसा. लहानपासून माझी खूप मोठी एक इच्छा होती की एक मस्त स्वतःची चायची टपरी टाकावी, नंतर सरळ डायरेक्ट देशाला प्रधानमंत्री बनावा. ग्राफिक टेक से बहान है यार, मैं तो यार नेटवर्किंग करने आया हूँ, बस एक मस्त इन्वेस्टर मिल जाए अपना काम 25. एक शो है सुरमई टैंक नावाचा, त्यांच्याकडे गेलो पण त्याला माझी काही चायची आयडिया फारशी काही आवडली नाही. याला काय माहिती रे चाय मध्ये किती मोठा बिझनेस आहे. काय म्हटलं ना, खूप टेन्शन मध्ये दिसतोस. अरे काय सांगू तुला, जाऊ दे. काय सांगण्यासारखं नाही रे, सोड ना नको विचारू. काय सांगतोय? अरे काय सांगू तुला, चायला तो रे आपला कॉलेजचा नीच सायराज रे तो. अरे तो माझ्यासोबत असतो तो, झाल्याने नोकरी खाल्ली रे माझी. काय सांगू तुला, अरे वाटलं नव्हतं रे एवढा जवळचा मित्र, एवढा जवळचा मित्र. अरे साल्याला लिटरली ना मी पाळत होतो त्याला. अरे बस एवढंच ना, ती जॉब वगैरे सगळं जाऊ दे रे. मी मस्त खाली चायची माझी चायची टपरी टाकणार रे, तू पण तुझ्या बाजूला मस्त पानची टपरी टाक ना. काय बोलत तू, पानची टपरी कोण कोण टाकणार? तू इकडे बघ रे, तिथला पानवाला दिसतो. तू असा बिझनेस मॅन वाटला म्हणून मी तुला विचारलं. अरे तुषार कुठे त्याला समजवत, अरे बेरोजगार माणसं त्यांना नाही समजत पैसे पैसे काय कमवायचं. चल रे चल बेरोजगार भाई, मी ऐकूनच तर घेतले. ए घरी जा. काय रे तू बेरोजगार कोणाला बोलला? ते बेरोजगार कोण आहे अजून? अरे नीच आल्या काय कळतं का कोणाच्या नोकरीवर असतो आता सरला? जाऊ दे रे, मी काय बोलतो ऐक, माझं मी मस्त बिझनेस रे, तू माझ्या माझ्यासोबत बिझनेस. ओके फायनली फायनली पूरा वीक गया इसमें. मैं नहीं बता रहा हूँ वापस सर को कि बोर भी रहा. आई नो. नीचे चाय पी. या ये प्रतीक्षा का हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे. हाँ उसको पूछ रहा है. अरे देखो क्या और ये जिम का चालू हो गया उसका. ओह ए भाई प्रेम कुत्ता ला तू सर क्लास में ना अरे तिथं पगार कमी होता ना 7,000 रुपये, सोडून दिला तिथला काम. इथे किती 1,000 रुपये भेटतात? इथं 1,000 जास्त की 7,000? अरे दिवसाला 1,000 रुपये भेटतात, 20,000 महिन्याला. महिन्याला किती झाले बना? कॉल आला त्या मी राहू Nak tudla 2000 years later.